हाउ टू ग्रो कोरिएंडर एट होम किचन गार्डनिंग, घर पर धनिया कैसे लगा सकते हैं। इतना इजी तरीका आपको बताऊंगा कि हर कोई अपने घर के अंदर धनिया को लगा सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला, बहुत ही सिंपल तरीका। बस आज ही आपने किचन के अंदर से खुशक धनिया पकड़ना है और उसको मिट्टी के अंदर लगा देना है। इंशाल्लाह 6-7 दिन के अंदर वो उगना शुरू हो जाएगा और अगले 20-25 दिन के अंदर आपके हंडिया के अंदर होगा आपका धनिया। खुशक धनिया से हरा धनिया कैसे उगाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने मुझे और आप सबको से तंदरुस्ती अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप वीडियो पे पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। यार छोटा सा लाइक करना होता है, आप वो भी नहीं करते, लाइक कर दिया करें ताकि आपका भाई आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाकर लाता रहे, ताकि आप इस तरह के यूनिक तरीके मेरे चैनल पर से सीख सकें। यार अच्छा, माइंड क्लियर करें, माइंड के अंदर से सब कुछ बाहर करें और आपके घर तक किसी कोने के अंदर गमला वगैरह पड़ा होगा उसको उठा के ले आएं, उसकी मिट्टी को नरम कर दें। नरम करने से पहले आप पानी भी हल्का सा छट्टा लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये पानी का छट्टा लगा दिया तो ये देखें मिट्टी आपको ब्लैक ब्लैक टाइप की दिखाई दे रही है, गीली गीली सी। इस तरह आपने भी उस खुश्क मिट्टी को पानी का छट्टा लगा कर और एक घंटे के बाद उसको नरम कर लेना है, तो वो बेहतरीन किस्म की आपकी इस तरह की मिट्टी बन जाएगी। ये हो गया आपका माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपने जाना है किचन में और वहाँ से एक बॉक्स पकड़ना है, उसके अंदर खुशक धनिया होगा। खुशक धनिया को पकड़ें, उस धनिया को आपने इस तरह से हाथ में पकड़ना है और उसको अच्छी तरह मसलना है। उसके दो पीस हो जाएंगे। आपको पता है कि जो धनिया के बीज होते हैं इसके दो पीस इजीली हो जाते हैं। दो पीस किस वजह से करते हैं, इस वजह से ताकि धनिया आपका जल्दी से उगना शुरू हो जाए। तो ये वाला जो आप मेरे हाथ में धनिया का बीज देख रहे हैं ये किसी कंपनी का है, इसके ऊपर केमिकल लगा हुआ है, इसकी वजह से इसका कलर इस तरह का है। तो जो आपका होगा वो बिल्कुल ब्राउन और ड्राई होगा, वो आपने टेंशन नहीं लेनी, सेम बीज ही होते हैं। तो ये केमिकल इस वजह से लगा होता है कि किसी मिट्टी के अंदर फंगस ज़्यादा होती है तो वो फंगस बीज को ना खाए या कीड़ा बीज को ना लग जाए, बीज उग जाए। तो जब उग जाता है तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। अब आपने उस धनिया को दो पीसों में कर लिया, अब आपने क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने यूँ ये बिल्कुल इस तरह से हल्की सी ऊपर से लाइन मार देनी है। ये मैंने लाइन मार दी है इसके ऊपर। अब इसके अंदर वही बीज आप यूं बखेर देंगे, ये देखें इस तरह से बखेर देंगे, ये बखेर दिए हमने, सिंपल हो गया। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे, लेकिन यहाँ से परेशान नहीं होना, एक और तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक तो ये तरीका हो गया, मैंने बीज पकड़े किचन से और उसको मिट्टी के अंदर बखेर के ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी दे दी। मिट्टी आपने ज़्यादा मिट्टी का भार नहीं लगा देना, मतलब उतनी मिट्टी आपने डालनी है कि बीज की जितनी मोटाई होती है ना उससे दो गुना मिट्टी आप उसके ऊपर डालेंगे ताकि बीज उगने में आसानी हो। अगर ज़्यादा मिट्टी डालेंगे तो बीज बहुत देर से उगेगा, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं उगे तो उगेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी धनिया उगे आपका, तो ये जग ले आए, कोई भी आप प्याली कोली कुछ भी पकड़ सकते हैं, उसके अंदर धनिया का बीज डाल देंगे इस तरह से। धनिया का बीज लगाने से पहले आप 12 घंटे इसको अगर भिगो देंगे तो इससे क्या होगा कि धनिया बहुत जल्दी उगना शुरू हो जाता है। ये बीज करता क्या है कि ये पानी को अपने अंदर सोख कर लेता है, तो जब वो पानी इसके अंदर चला जाता है, नमी नमी बीजों के अंदर हो जाती है, तो देन आम इसको लगाते हैं मिट्टी के अंदर तो बहुत जल्दी उगना शुरू हो जाता है। ये मेरे हाथ में बीज देख रहे होंगे, हाथ कितने गंदे हो गए यार। अच्छा बीज ज़रा ना काफ़ी निकाल लें, शेखों वाली कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने बीज पकड़ लिए। अब ये बीज आप लगा देंगे तो ये बहुत जल्दी ड्राई बीज से ये वाला बीज बहुत जल्दी उगना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर वो 8 से 10 दिन लेगा तो ये 5 से 7 दिन लेगा, तो बहुत जल्दी उगेगा आपका ये वाला बीज। तो एक तो लाइन मार के आप बीजों को बखेर सकते हैं, दूसरा आप यूं पकड़ के थोड़ी सी मिट्टी पीछे करेंगे तो ये आप इकट्ठा एक जगह पर इस तरह बीज थोड़ा सा रख के ऊपर से मिट्टी दे देंगे इस तरीके से। ये हो गया तरीका, तो इसी तरह ये मैं डाल, इस तरीके से फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा बीज ना मिट्टी के अंदर उगते नहीं हैं, तो ये इतने ज़्यादा हम एक होल के अंदर बीज डाल देते हैं उसमें से फिर भी 50% उग आते हैं। तो एक फ़ायदा ये हो जाता है, दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि जब ये धनिया उगता है तो ये एक बंचेस साइज़ बने होते हैं, मतलब पूरी गुच्छी बनी होती है। आप नीचे से कैंची से सीजर से काटें और वो पूरा एक गुच्छी पकड़ के हंडिया में डाल दें और मोजे मारें। ये है हमारा प्योर ऑर्गेनिक धनिया, कोई खादें डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने तरीकाकार लाजमी इस्तेमाल करना है। अब खाद की बारी आ जाती है, बहुत ज़्यादा दोस्त परेशान हो रहे होंगे, यार खाद का तो बताया नहीं है।
आपने धनिया के बीज जब लगा लेने हैं तो मिट्टी के अंदर से नमी नहीं ख़त्म होने देनी। देखें ये मेरी जो मिट्टी है ये नमी वाली है, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होगी। जो बिल्कुल ड्राई हो जाती है मिट्टी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये बिल्कुल ड्राई हो गई है और हार्ड हो गई। अगर आपने बार बार मिट्टी को ऐसे होने दिया तो आपके बीज नहीं उगेंगे। मिट्टी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हमने इसको रखना कहाँ पर, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आपने इसको वहाँ पे रखना है जहाँ पे 2-3 घंटे धूप आती हो। इससे ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं है धनिया को गर्मियों के अंदर। बिल्कुल धूप जहाँ नहीं आती वहाँ आपने नहीं रखना है यार, फिर आपका धनिया उगेगा नहीं। सुबह सुबह की धूप इसके ऊपर लाजमी पड़नी चाहिए, धूप पड़ेगी तो आपके बीज उगेंगे। इसके बाद खाद की बारी आ जाती है। तो खाद आपके पास किचन के अंदर आप चावल बनाते हैं तो उसका जो पानी चावलों को भिगोते हैं और उसका जो पानी आप गिरा देते हैं वही पानी आप धनिया के बीजों को डाल सकते हैं। रोज़ डाल दें, कोई परेशानियाँ नहीं है। अगर आप रोज़ चावल खाते हैं, इस तरह कोई दालें वगैरह आप भिगोते हैं तो उसका पानी भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा केले के छिलके आप ले लें, उसको 2 से 4 छिलकों को काट के बारीक बारीक 1.5 लीटर बोतल के अंदर डालकर उसको आप एयर टाइट करके रख देंगे तो हर दूसरे दिन उसके अंदर से गैस निकालेंगे। 5 दिन के अंदर बेहतरीन किस्म की आपकी पोटाशियम खाद बनकर तैयार हो जाएगी। तो वो खाद कब देनी होती है, जब आपके पौधे थोड़े से उगना शुरू हो जाएं तो तब देंगे, तो वो आपके पौधों को बूस्टर लग जाएगा, धनिया बहुत जल्दी उगना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये भी टेंशन नहीं लेना चाहते तो ना लें यार, कोई मुश्किल नहीं है। तो सिर्फ आपने मिट्टी के अंदर नमी बरकरार रखनी है और आपका धनिया बनकर तैयार हो जाएगा। अगर सेहतमंद धनिया चाहते हैं तो फिर आपको ये तरीकाकार इस्तेमाल करना होंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। नई वीडियो इससे भी अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है तनवीर अहमद, एसटी होम किचन गार्डनिंग से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।